फ्रेंड्स वेलकम बैक में हूँ आपका अपना राजभाई राज आपके सामने एक बार फिर से ले आऊँ एक्सट्रीम 125R और इसके अंदर मॉडिफिकेशन पहले दिखाता हूँ आपको। इधर आइए, सबसे पहले दिखाता हूँ फ्रंट से आपको देखने मिलेगा इसके अंदर। ये देखो, ये लगा देगा इसके अंदर वाइजर, जो कि देख सकते हो लगा देगा इसके अंदर। ये है इसका प्रॉपर फिटमेंट वाला, जो कि आप देख सकते हो, जैसे आप हमारे हर वीडियो के अंदर देखते हो, हम ये इसलिए लगाते हैं कि इसके अंदर फिटिंग है ना वो आती है जर्मन तरीके से। जैसे आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा नहीं कि अदर बाइक का, इसी बाइक का सेम लगेगा जैसे कि हमने फिटमेंट की गई है इसकी। साथ में इसमें मिलेंगे स्टेल्थ मिरर, जो कि देख सकते हो। वैसे आपने विंग्स मिरर हमारे देखे बड़े वाले, ये स्टेल्थ मिरर है जिससे आपकी ना लुकिंग भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। लुक देख लो, दोनों लुक के साथ साथ ना इसमें आपका हल्का फुल्का विजिबल भी होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल विजिबल, विजिबिलिटी भी आती है इसके अंदर बट कम आती है। देख लो इधर से किस तरीके की इसमें विजिबिलिटी आएगी, अभी देख सकते हो आप। और सबसे मेन जो ना ये स्टेल्थ मिरर इसलिए चलते हैं कि इसमें लुक के लिए जाने जाते हैं। देख लो, लुक के लिए जाने जाते हैं अपने, जैसे कि आपने देख लिया। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैंड गार्ड, जैसे कि देख सकते हो हैंड गार्ड लगे। गाड़ी का कलर है रेड, तो हैंड गार्ड भी लगा दें रेड। और साथ में मिलेगी इसमें लाइटिंग, जो कि देख सकते हो आप। ये देखिए, ये मिलेगी इसके अंदर लाइटिंग आपको इस तरफ भी सेम इस तरफ। इससे आपका लीवर और हैंड दोनों प्रोटेक्ट होंगे, जैसे कि लीवर है ना, लीवर ही प्रोटेक्ट हो गए। साथ में लीवर के साथ साथ आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर नंबर प्लेट होल्डर, ये देख सकते हो। ये इसका प्रॉपर फिटिंग वाला, जो कि इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद ना नंबर प्लेट यहाँ से हट के आपकी लग जाती है इस तरफ, और साथ में लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है, ऐसा लगता है। वैसे तो इसका नाम मैंने मिनी निंजा रख रखा है, बाकी आप भी देख सकते हो ऐसा लुक आ भी रहा है इसका लगने के बाद। और नंबर प्लेट यहाँ लगे तो और भी लुक क्लियर, लुक क्लियर हो जाती है इसके लगने के बाद। साथ में इसमें लगा देगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन, जिससे आपका शॉकर और मड़गाड़ी होता है पूरी तरीके सेफ। और फुल सेफ होने के साथ साथ ना लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है इस तरफ भी और इस तरफ भी। साथ में इसमें फॉक्स लाइट भी लगा दिए गए हैं, जिससे आपका शॉकर और डिस्प्ले ये दोनों होते हैं पूरी तरीके सेफ, और लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। उसके बाद आपको मिलेगा मोबाइल होल्डर, ये भैया ने पहले से लगवा रखा, हमने नहीं लगाया, पहले से लगवा रखा इसके अंदर। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, ये देखिए लॉक कवर। साथ में इसमें सेंट्रल लॉक है, सेंट्रल लॉक का जो यूज़ है वो आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा लॉक सिस्टम, ये देखिए, ये लॉक लगा दे। लॉक लगाने के बाद क्या होता है, जब भी कोई टच करता है, छेड़ता है, तो आपका सायरन क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, चोर बिहेवियर होता है कि भैया गाड़ी में कुछ लगा हुआ, तो वो आपकी बाइक को ऐसे छोड़ के चला जाता है। मे बी इनकेस वो दोबारा कुछ कोशिश करता है, तो देखिए सायरन काफ़ी तेज़ बजने लगता है। अब इसको बंद करने के लिए, वैसे तो ये 30 सेकंड खुद बंद हो जाता है, बट आप चाहते से बंद कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर मिलता है आपको अलार्म सिस्टम, जैसे आप देख सकते हो। जैसे क्या होता है, आपने खड़ी कर रखी है इस तरफ, और पार्किंग वाले क्या करते हैं, इसको उठा के कहीं भी खड़ी कर देते हैं इधर उधर, तो आपको नहीं पता होता उसका कि कैसे ये बंद होनी है। तो देखिए सायरन है आपका, बजाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बाइक कहाँ पर खड़ी है। बंद करेगा सेम सिस्टम, जैसे देख सकते हो अनलॉक, अनलॉक करेंगे तो सारे फीचर्स हो जाएंगे इसके क्लोज। और ये है इसका डबल प्रेस जिगजैग का साइन, जो कि स्टार्टिंग का है, डबल प्रेस करते ही आपकी बाइक होते स्टार्ट। तो ये इसके अंदर फीचर मिल जाते हैं आपको, 4 फीचर्स, जो कि आपका सेंट्रल लॉक के अंदर मिल जाता है। और आप चाहो तो इसके अंदर ही अपनी की भी बनवा सकते हो, और इसको ही ऑफ करने की कुछ नहीं करना, सिंपली अनलॉक करेंगे, ये देखो बाइक हो गई बंद। तो ये फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, बाकी की कवर मैंने आपको बता ही दिया, की लॉक इसके अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका क्रैश गार्ड, देखिए ये इसका फुल बॉडी क्रैश है, जो कि आपने देखा कुछ इस तरीके का क्रैश गार्ड है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मिलता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला। और प्रॉपर फिटिंग के साथ साथ ना आपको मिलते हैं इसके प्रॉपर फिटमेंट, जैसे देख सकते हो आप, एक फिटिंग इस तरफ, एक फिटिंग इस तरफ, और एक फिटिंग मिलती है आपको इस तरफ। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम के नाम पे ना कुछ भी बेच रहे हैं, जो कि आपको पता है कि नीचे से फिटमेंट आती है उसकी, बहुत पत्ती से होती है, इधर ही पत्ती लगी तो आगे पत्ती लगी तो पत्तियों के पहुँच जाइए, ये होता है वो प्रॉपर फिटिंग वाला। इसमें कोई क्लैंप, कोई पत्ती, कोई जुगाड़ नहीं किया गया। स्लाइडर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, स्लाइडर लगने से क्या होता है, आपकी जब भी गाड़ी गिरती है ना, तो गिरने के बाद आपको आपका लैग भी सेफ होते हैं, साथ में आपकी बाइक भी होती है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और बात करते हैं इसके साथ में क्रैश गार्ड, मैंने इधर देखा, इधर भी देख लो, दोनों तरफ देख लो, सेम फिटमेंट मिलेगी आपको। और इसके बाद बात करते हैं ना एक और नई चीज़ की, जो कि इसके अंदर आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। आपने बहुत से लोगों का कमेंट था कि भैया काउल की वीडियो लो, काउल की वीडियो लो, काउल की, तो इसमें इंजन काउल की मैंने लगा दिया है, बट ये बता दूँ ये इस बाइक का नहीं है, अदर बाइक का है। अगर आपको जुगाड़ कराना तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, कलर इसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं। और मैंने भैया का नंबर भी ले लिया है कि अगर इनके इसको कोई प्रॉब्लम होती है ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो फिर मैं इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा, भैया मुझे बताएंगे, प्रॉब्लम हुई तो मैं नहीं लगाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं हर बाइक में लगाऊँ। देख लो एवरी बाइक के अंदर आपको मिलेगा इस तरफ से, देख लो और उस तरह से लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से इसकी लुक आ रही है। देखो ये मिलता है आपको, ये इसके अंदर थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, बट क्या है लुक अच्छी दे रहा है, लगने में लग रहा है कि इस बाइक का नहीं है। तो जब इसका अगर उससे जो सक्सेसफुल होता है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपने पूछना हो तो कमेंट करें, पूछ भी सकते, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स दूंगा इसके अंदर। साथ में इसमें देखने लगे ब्रेक पैनल एक्सटेंडर, ये देखिए ये भी इसके अंदर लगा दिए। इसे लगाने से क्या होता है, आपका जो ब्रेक पैनल छोटा सा होता है ना, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्रेक पैनल इसका छोटा होता है, इसे लगाने से एक्सटेंड होने के बाद ना
ब्रेक भी आप इजीली इसके अंदर लगा सकते हो। साथ में इसमें आप देख सकते हैं किक रबड़ ये भी इसके अंदर लगा दी गई है। इस तरफ आएंगे तो इस तरफ दिखाऊंगा आपको, देखिए ये इसका गियर शॉक्स ये भी इसके अंदर, इससे आपका शूज़ वगैरह ख़राब नहीं होगा। इधर आपको देखने मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट ये भी इसके अंदर लगा दी गई है। इसे लगाने से क्या होता है, आपको डबल एडवांटेज मिलता है। एक तो जब भी आप गाड़ी खड़ी करते हो तो आपकी बाइक स्टेबल खड़ी रहेगी, और दूसरा स्टैंड घिसेगा नहीं, और तीसरा आपको पता ही है कि जब ये लग गया तो लुक भी काफ़ी एनहांस हो गई है। और इसके बाद साथ में देखने मिलेगा लेडीज़ फुटरेस्ट, ये इसका प्रॉपर फिटमेंट है, लेडीज़ फुटरेस्ट ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे इंस्टॉल करने में किसी को भी आप बिठाना चाहते हो लेडीज़ वगैरह को तो वो भी इसके अंदर इजीली बैठ सकते हो। और बात करिए इसकी मॉडिफिकेशन तो बता दूँ भैया आना नहीं चाहता, भैया मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो बाकी साथ में इसमें आपको देखने मिलेगा टैंक पैड, जो कार्बन कलर का टैंक पैड है ये भी इसके अंदर लगा दिए गए। आपको भी कराना हो ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन तो आप आ सकते हो आपकी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोल बाग नायब के अंदर। लोकेशन देख लो, आज संडे के तो थोड़ा सा बिजी है, काफ़ी ज़्यादा रश है इधर। वैसे ही आपको जब नॉर्मल डेज में आएंगे तो इतना रश आपको नहीं मिलेगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7822271714, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई इस वीडियो को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत ध्यान, गुड बाय।